इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। जनपद काशगंज के तहसील पटियाली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा भरगेन में हुई अब तक की बड़ी कार्यवाही। जी हां, आपको बताते चले, नगर पंचायत भरगेन का लगातार 15 साल रहा पूर्व चेयरमैन नसीफ अहमद उर्फ कालिया वर्तमान में पत्नी जैतून बेगम है। नगर पंचायत अध्यक्ष भरगेन में मुनादी कराकर कोल्ड स्टोर बीटीसी कॉलेज को सूचना चस्पा अपराधी क्षेत्र में सक्रिय रहकर अर्जित की संपत्ति, उसके पास कृषि भूमि, कोल्ड स्टोर दुकान, मकान, प्लॉट, विद्यालय सहित कुल 47 चल अंचल संपत्ति है। सभी भरगेन के क्षेत्र में ही स्थित है। इनकी अनुमानित कीमत अगर बात की जाए तो 1,28,60,000 आंकी गई है। संपत्ति पत्नी, पुत्र और भाई के नाम से तय की गई है। काशगंज डीएम हर्षिता माथुर के आदेश पर एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओआर के तिवारी, तहसीलदार अरविंद गौतम ने भरगेन पूर्व चेयरमैन नसीफ अहमद उर्फ कालिया की संपत्ति कुर्की करना शुरू कर दिया है। पुलिस के अनुसार गिरोह बनकर अपराध करके अवैध क्षेत्रों से आयोजित की गई थी। संपत्ति कार्रवाई के दौरान कई थानों की फोर्स पीएसी के साथ एसडीएम रविंद्र कुमार व पटियाली सीओआर के तिवारी रहे मौजूद। ब्यूरो चीफ अंकित शाक्या, काशगंज। सर, थाना पटियाली क्षेत्र अंतर्गत जो कुर्की कार्रवाई चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के नियंत्रण और उनके ऊपर अंकुश लगाने हेतु शासन के द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है उसके फलस्वरूप वार्ड संख्या 704/22 माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उपरांत जनपद कासगंज में पटियाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बा बरगेन में आज लगातार इस वार्ड में कुर्की किया जा रहा है। इसमें करीब 47 अचल संपत्ति नोटेड है और उसमें लगातार कुर्की किया जा रहा है। इसका अनुमानित मूल्य जो है करीब 100,28,60,000 रुपए है। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।